तो दोस्तों आज मैं आपको गूगल अकाउंट के पांच ऐसे हिडन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसको आपको जरूर यूज़ करना चाहिए। अगर इस सेटिंग को आप यहां पे यूज़ करते हैं तो अपने मोबाइल को साथ में गूगल अकाउंट को काफ़ी सिक्योर बना सकते हैं। तो ये कौन सा हिडन सेटिंग देखने मिलता है, चलिए वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में जो गूगल सर्च इंजन देखने मिल रहा है इस गूगल सर्च इंजन को ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ओपन करने के ऊपर प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन आपको गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वाला ऑप्शन देखने मिलेगा, तो इस सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सबसे पहले अगर आप नीचे में जाइएगा तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, टू स्टेप वेरिफिकेशन। तो अगर आपने अभी तक अपने मोबाइल को टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया है तो इसको आपको यहाँ पे इनेबल कर लेना है। तो इस फीचर को अगर आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिएगा तो जब तक आप दूसरे मोबाइल में अगर जीमेल अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कीजिएगा और अपने मोबाइल से जब तक उसका परमिशन अलाउ नहीं कीजिएगा तो टू स्टेप वेरिफिकेशन के थ्रू उस डिवाइस में आप यहाँ पे जीमेल अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है, इस फीचर को आपको जरूर यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे नीचे में जाते हैं तो नीचे में जाने के बाद आपको एक यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा और वो ऑप्शन मिलेगा टू सीजन एंड्रॉयड फोन, जो डिवाइस वाला ऑप्शन देखने मिलेगा और नीचे में आपको मैनेज ऑल डिवाइस वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। इस पे दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने बाद यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसा डिवाइस है जिसमें आपका जीमेल अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करके रखा हुआ है, चाहे वो कंप्यूटर हो, टैब हो, मोबाइल हो, और आपको लगता है कि वो डिवाइस में आपने लॉगिन नहीं किया तो आप यहाँ से जान सकते हैं और हाथों हाथ दोस्तों यहाँ से आप उसको लॉग आउट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे साइन आउट वाला ऑप्शन मिलेगा और इस साइन आउट वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक कर दीजिएगा और उस डिवाइस में जैसे इंटरनेट ऑन होगा तो ऑटोमेटिक आपका जीमेल अकाउंट वहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। तो इस फीचर को भी अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो इस फीचर को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरे फीचर के बारे में। तो जैसे नीचे में जाइएगा तो एक ऑप्शन आपको देखने मिलेगा, इनहेंस सेफ ब्राउजिंग योर अकाउंट। ये फीचर काफी इंपॉर्टेंट होता है और इस फीचर को अगर आपने ऑन नहीं किया है तो इस फीचर को आपको यहां से ऑन कर लेना है। ये ऑन वाला ऑप्शन मिलेगा, आप यहां से ऑन कर लें और इस फीचर को दोस्तों अगर आप यहां पे ऑन कर लेते हैं और आपका जीमेल अकाउंट का पासवर्ड अगर किसी बंदे को पता चल जाता है तो पासवर्ड डालने के बाद भी आपके जीमेल अकाउंट को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको लॉग इन नहीं कर पाएगा। तो ये इनहेंस सेफ ब्राउजिंग वाला फीचर देखने मिलता है। साथ में अगर ब्राउजिंग ऐसा यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में जिसमें काफी सारे मालवेयर है तो वो ब्राउजिंग भी यहां पे ओपन नहीं होगा, तो इस फीचर को भी आपको यहां पे ऑन कर लेना है। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ फीचर के बारे में। तो जैसे आप नीचे में जाइएगा तो आपको एक ऑप्शन देखने मिलेगा पासवर्ड मैनेजर का। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है और इस पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपको काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन देखने मिलेंगे, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो। अगर उस एप्लीकेशन का पासवर्ड अगर आपको जानना है कि पासवर्ड क्या था, पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो आप यहाँ से जान सकते हैं। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे पासवर्ड वाला ऑप्शन देखने मिलेगा और एक आई बना हुआ नजर आएगा और इस आई पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पासवर्ड शो हो जाएगा और उस पासवर्ड को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर डिलीट करना चाहते हैं तो वो डिलीट कर सकते हैं और साथ में पासवर्ड को अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पासवर्ड को भी चेंज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ फीचर के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने में नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको गूगल वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहां पे एक ऑप्शन देखने मिलेगा और वो ऑप्शन दोस्तों यहां पे मिल जाता है कनेक्टेड डिवाइस का। तो यहां पे सेटिंग फॉर गूगल एप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कनेक्टेड एप्स वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने में जो जो एप्लीकेशन आपका यहां पे कनेक्ट किया हुआ है और उस एप्लीकेशन को अगर आपने यहां पे अनइंस्टॉल कर दिया है तो आप उसके एसएस परमिशन को यहां पे रिमूव कर सकते हैं, तो आपका यहां पे डाटा कोई भी जाएगा नहीं और आपका डाटा यहां पे सेव रहेगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ये पांच फीचर को यूज नहीं किया है गूगल में तो इस फीचर को आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।